हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय बजाज सर। आज आपके साथ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं, आज उसकी फर्दर एप्लीकेशंस के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ेंगे और एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, बहुत बारी पेपर में आ चुका है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। सीबीएसई में कई बार आ चुका है, एक सर्कुलर रिंग है, इसके इस एक्सिस पे हम पी पॉइंट सपोज करते हैं और यहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज रिंग के कारण निकालना चाहते हैं। तो इस चार्ज रिंग का रेडियस है ए, ये पॉइंट पी जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसका डिस्टेंस है सेंटर से आर, इस पूरी रिंग पे चार्ज है क्यू, राइट। हमने यहां पे एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट सपोज किया बिकॉज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो स्मॉल एलिमेंट सपोज किया जिसकी लेंथ थी डीएल और जिसके ऊपर चार्ज था DQ। तो ये जो DQ चार्ज होगा दैट विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, तो इसके कारण हम इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे DE। सिमिलरली दूसरी तरफ भी सपोज करेंगे तो उसके कारण निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि DE की वैल्यू कितनी आती है, राइट। ये R है, ये A है और ये स्केयर रूट ए स्केयर प्लस आर स्केयर, राइट। टोटल चार्ज है ये, हमें पता है ये रिंग है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, लेंथ विल बी सर्कमफेरेंस। DQ विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, लैम्डा विल बी DQ बाय DL, तो DQ विल बी लैम्डा DL फ्रॉम दिस फॉर्मूला। स्मॉल चार्ज के कारण स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस इज दिस, ये चार्ज और ये रहा डिस्टेंस, तो आंसर इज के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑन ब्रेकिंग द कंपोनेंट्स, जब डी के कंपोनेंट्स ब्रेक किए, वी फाइंड ये जो कंपोनेंट्स है बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल हो गए वर्टिकल वाले और हॉरिजॉन्टल वाले ऐड हो गए। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट डीएल हम कंसिडर करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पे आएगा दैट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डी कॉस थीटा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालना चाहते हैं That will be DPE, electric field at point P will be integration of DE cos theta. हमें पता है DE की वैल्यू K DQ by R square और साथ में आ गया cos theta. यहाँ पे DQ का वैल्यू फिल किया lambda DL. cos theta भी बाहर आ गया, बाकी सारी चीज़ बाहर आ गई, DL. अभी DL की लेंथ कितना होगा जी, देखिए हम यहाँ पे cos theta मैथमेटिक्स यूज करके दैट इज बेस अपॉन hypotenuse. ये रहा बेस, ये रहा hypotenuse. cos theta का वैल्यू भी फिल कर लिया, राइट। K lambda R upon R square plus A square whole raised to power 3 by 2 में convert हो जाएगा, lambda है और lambda की value क्या है, Q upon 2 by A from above, and ये जो length DL था, DL का minimum 0 और total length होगा that will be 2 pi A, तो हमने to integrate किया DL को that is 0 to 2 pi A किया, तो DL की value आ गई 2 pi A वैसे 2 pi A कट गया, तो हमारा electric field at point B जो total था वो बन गया KQR अपॉन आर स्क्वायर प्लस इसके रिस्ट पर 3/2, जहां पे ए है रेडियस ऑफ रिंग एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। यहां पे हम स्पेशल केस बनाते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर निकाल लो, मतलब पी पॉइंट कहां पे है, जो पी पॉइंट है वो सेंटर पे लाई कर रहा है यहां पे, तो आर जीरो हो जाएगा। इस फॉर्मूले में जब आर को जीरो पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अगर हम इन्फिनिटी पे ले जाएं, पी पॉइंट को इन्फिनिटी पे ले जाएंगे, तो एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी क्या होगा, जीरो होगा। अब तीसरा पॉइंट आता है, जब आर बहुत दूर हो, ए से बहुत बड़ा और बहुत दूर हो, तो तब उसमें हम यहां से ए को निगलेक्ट कर देंगे, तो यहां पे आर स्क्वायर से ये टू कट जाएगा, तो ये बन जाएगा नीचे आर क्यूब, राइट। ई इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब से एक आर कट गया, तो ई इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आप यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट देखिए, ये फॉर्मूला जो है इट इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ पॉइंट चार्ज। तो यहां पे जो पूरा रिंग है, जब ये आर बहुत दूर चला जाएगा तो ये पूरी रिंग विल एक्ट एज अ सिंगल पॉइंट चार्ज, राइट। दूसरा, इसकी फर्दर एक्सटेंशंस, फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग कैरिंग चार्ज क्यू एंड रेडियस ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, ये डिस्टेंस निकालना सच दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, राइट। ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रॉ द ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्दर एक्सटेंशन फॉर सीबीएसई और हॉट्स में है, और इस साल भी उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। हमें पता है ये ऊपर से निकाल चुके इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज के क्यू आर बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट पर 3/2, ये फॉर्मूला हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं किसी भी पॉइंट पी के लिए। मैं चाहता हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम की कंडीशन आप सभी को पता है, पहले भी मैसन न्यूमेरिकल कर चुके हैं, तो उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल शुड बी जीरो। तो यहां पे आर भी आर और ऊपर भी है नीचे भी है, तो यू बाई वी का फॉर्मूला लगाया डिफरेंशिएशन का, वी डी यू बाई डी आर माइनस यू डी वी बाई डी आर अपॉन वी स्क्वायर। जब हमने डिफरेंशिएट किया तो वी आर गेटिंग दिस फॉर्मूला के क्यू, इसका डिफरेंस इसको ऐसे ही रखा, इसकी डिफरेंशिएशन माइनस आर को ऐसे ही रखा, फिर इसका डिफरेंशिएशन अपॉन इसका स्क्वायर, तो ये टू कट गया, तो यहाँ पे इक्वल टू जीरो था, जब इक्वेट किया तो बाकी टर्म जीरो हो गई, तो ये वाली टर्म रह गई, फिर इसको इधर ले गए कॉमन लेने के बाद, वी फाइंड ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस थ्री आर स्क्वायर जीरो, तो वहां से आर की वैल्यू आई प्लस माइनस ए बाय
रूट टू। तो यहां पे जो वैल्यू आ रही है तो वो कहता है कि जब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ए ओवर रूट टू होगा तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब बात आती है कि इतनी वैल्यू लेके इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट आर इक्वल टू ए बाय स्क्वायर रूट टू, कितना होगा, हम उसी फार्मूले में आर की वैल्यू ए बाय रूट टू फिल करने लगे हैं। तो ऑन सॉल्विंग तो मैक्सिमम वैल्यू ए के क्यू बाय दिस, तो मैक्सिमम वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद 2k³/√3a² दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजीशन r = a / √2। अब इससे ग्राफ बनाने को भी कहा था, हमें पता है जब r 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू इतनी। तो हमने ग्राफ बनाया दोनों तरफ, रिंग के दोनों तरफ r = a / √2, r = - a / √2। पहले 0 से स्टार्ट हुआ, व्हेन r इज 0 e 0 इंक्रीज किया यहां तक मैक्सिमम, उसके बाद फिर फर्दर डिक्रीज करता गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पे जाके क्या होएगा, अगेन जीरो। दोनों तरफ से सिमिलर ग्राफ वी हैव ऑब्टेन्ड। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर JEE एंड इससे हमें शॉर्टकट्स भी मिलेंगे। आज मैं इस क्वेश्चन में आपको बताने लगा हूं कि इस पॉइंट पे किसी भी आर्क के लिए, सेंटर पे किसी भी आर्क के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर उसको जनरलाइज कर लेंगे फॉर सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट, राइट। फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज आर्क ऑफ लेंथ, जनरलाइज द फार्मूला टू फॉर सेमी सर्कल एंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे हमने टोटल चार्ज था इसके ऊपर क्यू, राइट, इस ये रहा सेंटर ओ, इसके ऊपर हम फाइंड करना चाहते हैं, ये सेंटर से डिवाइड किया, टोटल एंगल था अल्फा, रेडियस आर, स्मॉल एलिमेंट डी क्यू, लेंथ डी एल, स्मॉल एंगल इसने डिस्क्राइब किया डी थीटा, राइट, और ये एंगल था थीटा फ्रॉम द एक्सिस। यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लैम्डा इज क्यू बाय एल, टोटल चार्ज टोटल लेंथ, देन डी क्यू विल बी लैम्डा डी एल, ठीक है जी। हियर डी क्यू विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, डी इक्वल टू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, डी क्यू की वैल्यू फिल किया लैम्डा डी एल, वी हैव द फार्मूला फॉर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, तो लेंथ ऑफ आर्क डी एल विल बी डी थीटा विल बी डी एल बाय आर, तो यहाँ से डी एल का वैल्यू फिल करके यहाँ से डी एल की वैल्यू आ गई आर डी थीटा। यहाँ पे डी में फिल किया दैट इज के लैम्डा आर डी थीटा, आर थीटा बाय दिस, आर से आर कट गया, तो डी का वैल्यू होगा के लैम्डा डी थीटा बाय आर। इसी तरह यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पॉजिटिव कर रहे हैं इधर को, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने कंपोनेंट्स ब्रेक किए, सिमिलरली इधर को भी सपोज कर सकते हैं, फिर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है दोनों तरफ कट जाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट्स नीचे वाले ऐड हो जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे अगर निकालना है तो दैट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डी ई कॉस थीटा, तो हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। डी की वैल्यू हमें पहले से पता है के लैम्डा डी थीटा बाय आर, के लैम्डा बाय आर कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, कॉस थीटा डी थीटा, और लिमिट्स क्या बनेंगी इसकी, इधर से फ्रॉम माइनस अल्फा बाय टू टू द प्लस अल्फा बाय टू, अगर ये ओरिजिन माना एक्सिस रिफ्रेंजेट किया तो माइनस अल्फा बाय टू टू प्लस अल्फा बाय टू, कॉस का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, देन वैल्यू फिल किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू गेट द फॉर्मूला दैट इज साइन अल्फा बाय टू प्लस साइन अल्फा बाय टू दैट इज टू साइन अल्फा बाय टू, तो टू यहाँ पे लिख दिया टू। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कॉस थीटा की साइन थीटा से वैल्यू आएगी, दोबारा वैल्यू से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिल करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2k लैम्डा बाय r साइन अल्फा बाय 2। अब यहां से हम स्पेशल केसेस बनाएंगे इसके, आप देखिए यहां पे अल्फा इज द एंगल, राइट, सेमी सर्कल होगा तो अल्फा कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री, आप देखिए ये पूरा एंगल विल बी 180 डिग्री, तो यहां पे जब अल्फा की वैल्यू 180 फिल करेंगे दैट विल बिकम 90, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2k लैम्डा बाय r, वेयर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यही क्वाड्रेंट हो आपको पता है अल्फा विल बी 90 डिग्री, राइट, ये 90 होगा तो 90 का हाफ करेंगे साइन अल्फा बाय 2 में फिल करके इट विल बी 45, उसकी वैल्यू क्या साइन 45 इज 1 बाय स्क्वायर रूट 2, राइट, तो यहाँ से ये 2 कट जाएगा तो इट विल बी रूट 2 के लैम्डा बाय आर, राइट। आज का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट था, इसको दोबारा देखिएगा, जरूर समझिएगा और इसके बाद अपने JEE के MCQs ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, ऑल द बेस्ट।